नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो जो कि आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको मोरिंगा के पत्तियों के बारे में बता रही हूँ। मोरिंगा के पत्ती को लेके आई हूँ। इसे सहजन, सजना, मोरिंगा, ड्रम स्टिक सारे नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ मोरिंगा को किस नाम से जाना जाता है आप जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी मोरिंगा पाउडर कैसे तैयार किया जाता है, जिसको कि आप अपने खाना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के पाउडर को आप सलाद के ऊपर भी डाल सकते हैं और मोरिंगा के पाउडर से आप रोटी भी बना सकते हैं। यदि आप रोटी बना रहे हैं उसमें भी आप 2 चम्मच मोरिंगा पाउडर डाल देते हैं तो आसानी से आप इसको खा सकते हैं, अपने भोजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के पत्तियों का इस्तेमाल यदि आप अपने घर में खाना में करते हैं, यदि इसके फली जब फली मिलता है तब आप इसका सब्जी बना के खाते हैं तो आपके जो जोड़ों का पुराना दर्द है वो धीरे धीरे से ख़त्म होता है। और लेडीज में ज़्यादातर कमर दर्द की परेशानी रहती है। दोस्तों आप लोग इसका दाल बना के खाएं, इसका पकौड़ा बना के खाएं, इसका साग चटनी जैसे चाहे वैसे बना के इसका इस्तेमाल करें और देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपके जो कमर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये बहुत ही फायदेमंद है मोरिंगा। बहुत कोई इनके बारे में मालूम नहीं है, ऐसे समझते हैं कि बस सब्जी है तो चलो इसको सब्जी के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मोरिंगा का पाउडर बहुत ही महंगा मिलता है यदि आप इसको खरीदने जाएं तो। आज मैं ऐसे तरीके से आपको मोरिंगा का पाउडर घर में बना के दिखाऊंगी ना कि आप इसको झटपट से बना के और स्टोर करना शुरू कर देंगे अभी से ही। मोरिंगा के पत्तियों को तोड़ने के बाद थोड़ा सा रख दी थी हवा में, इसके कारण से थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा नरम जैसा हो गया है। तो अब मोरिंगा का जो ये मोटा वाला डंठल है इसको हम लोग हटा देंगे और इसका जो इस टाइप से पत्तियां हैं वो सारे को अलग कर लेंगे। और एक इसका पाउडर बनाने का तरीका जो और भी ज़्यादा आसान होता है, आप एक दिन मोरिंगा के सारे डाल को इस तरीके से तोड़ के लेके आएं और उसे पूरे रात के लिए उसी तरीके से छोड़ दें बिना इसके पत्तियों को अलग किए हुए। और अगले सुबह जब आप इसको उठाएंगे, इसके डंठल को आप जैसे ऐसे उठाएंगे ना कि सारे इसके जो पत्ती हैं वो टूट के अपने आप से अलग हो जाता है। तो वो तरीका जब आप ज़्यादा मात्रा में इसको बना के रखेंगे ना तो वही वाला तरीका आजमाइएगा, आपके समय भी बच जाएंगे और बहुत सारा पाउडर उस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे डंठल को अलग कर लेना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी जो कि आपके बहुत ही काम के होंगे। तो देखिए अभी क्या करना है, मोरिंगा के पाउडर तैयार करने के लिए इसे सबसे पहले अच्छे से धो के साफ करना है। खाइएगा मोरिंगे के पत्ते का दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके स्वाद के बारे में आपको जितना भी बताऊं उतना कम पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। बहुत ही जैसे हम लोग पालक दाल बनाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही पालक के जगह पे आप लोग मोरिंगा के पत्ते को डाल के बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। हेल्दी तो ये है ही। तो यहाँ पर पत्तियों को पानी में डालने के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिए जिससे इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो पानी के अंदर जाके बैठ जाए। और ज़्यादा मात्रा में इसको बनाइएगा क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत कम हो जाता है इसके वजह से। अब सारे पत्तियों को निकाल लेंगे। ऊपर ऊपर से उठा के और निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चिपका हुआ होता है। तो सारे पत्तियों को हम लोग निकाल लेंगे। आप जब बनाइएगा ना तो वही कीजिएगा, एक दिन पहले तोड़ के ले आइएगा, पूरे रात छोड़ दीजिएगा और अगले सुबह इसका आप लोग बनाइएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप पूरे रात उसको छोड़ते हैं डंठल में लगा हुआ, अगले सुबह पत्ता झाड़ना है तो जब आप तोड़ के ला रहे हैं उसी समय में इसको अच्छे से पानी से ज़रूर धो लीजिएगा क्योंकि अगले सुबह जब इसका पत्ती अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर रहेगा और अच्छे से सूखने में भी ज़्यादा समय लेगा। तो जब आप पत्तियाँ ला रहे हैं ताज़ा ताज़ा उसी समय से आप अच्छे से धो के और पूरे रात डंठल में लगे हुए छोड़ दीजिएगा। अब सारे मोरिंगा के पत्ती को हम लोग पानी से निकाल लिए हैं। अब कोई सा भी आप कॉटन कपड़ा ले लें और इस पे इसको इस तरीके से फैला दीजिए।
जो इसमें डंठल लगा हुआ है वो डंठल खुद ब खुद निकल जाएगा जब ये थोड़ा सा सूखेगा। तो ये जो लगा हुआ है पूरा निकल जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसको सुखाना कैसे है, इसको आप धूप में बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। धूप में डालने से जो इसका पौष्टिकता है, जो ये इसमें जो इसका जो कलर है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसको हम लोग छांव में ही यानी कि पंखे के हवा में ही सुखाएंगे। कहीं भी धूप आ रहा है, घर के अंदर कहीं हवादार जगह है तो आप वहां पर इसको डाल दें, बहुत अच्छे से ये सूख जाता है। आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ तो थोड़े से पत्तियों से दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इसको बहुत सारा बना के स्टोर कीजिएगा। मोरिंगा का तेल यदि आपको चाहिए दोस्तों, बालों के लिए मोरिंगा का तेल कैसे बनाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। मोरिंगा का तेल बालों को बहुत ही मजबूत बनाता है, बालों को बढ़ने में मदद करता है। आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो ये मोरिंगा का तेल जो है उसको सफ़ेद होने से रोकता है। तो चलिए इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए, जब सूखता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ सूखने के बाद। तो देखिए दोस्तों, मोरिंगा के पत्ते को इस तरीके की जाली वाला कोई भी बर्तन में आप डाल के सूखने डालिएगा तो ये बहुत अच्छे से सूख जाता है। सारा पत्तियां जो है अच्छे से सूख गया है, अब सारे डंठल को हमें निकाल लेना है। यदि बारीक बारीक डंठल रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना चाहें जितना निकल जाए आराम से आप उसको निकाल सकते हैं। और इसका आवाज़ सुनिए, ये बहुत अच्छे से सूख गया और इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं डाला है मैंने। और ये मोरिंगा का पाउडर आप लोग ज़रूर से बना के रखिए और इसका इस्तेमाल आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसका पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मिक्सर का जार। तो छोटा वाला जार का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ये बहुत अच्छे से पीसेगा। इसका ब्लेड तेज होता है चटनी वाला जार से। अब क्या करेंगे कि सारे को इसमें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से एकदम बारीक करके इसका पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा समय देके इसको पीसिएगा तब जाके ये अच्छे से पीस पाता है। इसको स्टोर कैसे करेंगे जो ये खराब नहीं होगा, मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगी। उस टाइप से आप मोरिंगे के पत्ते को पीस के स्टोर कर सकते हैं। आप कहीं भी रह रहे हैं यदि आपको मिल जाए मोरिंगा तो आप ज़रूर से इसके पाउडर का इस्तेमाल करें और पाउडर बना के स्टोर भी करें। तो यहाँ पर देखिए मोरिंगा के पाउडर को पीस ली हूँ और ये जो है ना पत्ती वो थोड़ा इस टाइप का आपको देखने में लगेगा। तो आप यदि होममेड बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं तो आप इसको बिना छाने हुए भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको छान के भी रख सकते हैं। तो छानने के लिए मोटे जाली का आपको छन्नी लेना है, एकदम बारीक वाला नहीं लेना है और इसको छानेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें डंठल वगैरह है वो निकल जाएगा और जो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मोटा है वो निकल जाएगा। तो आप इसी तरीके से बीच बीच में पीसते हुए इसको छान छान के और निकालते जाएं और जो ये बचा हुआ है इसको फिर से हम लोग पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा कि मोरिंगा के पत्ते को अच्छे से सुखाइएगा और जिस दिन आप पीस रहे हैं उस दिन आधा घंटा के लिए या 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए इसको धूप में ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा ये थोड़ा सा कुरकुरा बन जाएगा और फिर ये अच्छे से पीस जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है, बिल्कुल इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम प्योर मोरिंगा का पाउडर बनके तैयार हुआ है। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिएगा जिसमें कि हवा बिल्कुल भी ना जाए। यदि हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें स्मेल आ जाएगा और ये खराब हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी कि आज की वाली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।